अपने आप को अट्रैक्टिव बनाने के अमेजिंग तरीके क्या क्या है। आज के इस वीडियो में मैं कुछ टिप्स के बारे में डिस्कशन करूंगी कि कैसे आप अपने आप को अमेजिंग बना सकते हैं, अट्रैक्टिव बना सकते हैं दूसरों के लिए। तो अगर आप खुद को दूसरों के लिए अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं, अमेजिंग बनाना चाहते हैं, आज से थोड़ा और बेहतर खुद को दूसरों के लिए रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कल के टाइम पे, तो मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। मेरे हर एक टिप्स को समझकर अपने जिंदगी के अंदर इम्प्लीमेंटेशन करके अपने आप को और बेहतर रिप्रेजेंट करने के लिए, तो आइए शुरू करते हैं। मैं मधुमिता स्वागत करती हूँ आपको इस वीडियो में। अक्सर ऐसा होता है कि हम लोगों के पॉजिटिव एटीट्यूड को देखकर बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं पॉजिटिवली। हम उनको अपना रोल मॉडल मानते हैं और हम उनकी हर एक बात को अच्छी तरह से समझते हैं और जितना हो सके अपने जिंदगी के अंदर इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं ताकि हम भी उनकी तरह अपने आप को अट्रैक्टिव रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने नोन सर्कल में। दूसरों को देखकर पॉजिटिवली प्रभावित होना तो बहुत अच्छी बात है, साथ ही साथ अगर हम खुद को भी इस तरह से मेंटेन कर सके, खुद को भी उस तरह से प्रिपेयर कर सके आने वाले टाइम के लिए, तो वो और भी ज्यादा अच्छा हो सकता है। तो कैसे हम खुद के पर्सनैलिटी को और डेवलप कर सकते हैं, कैसे अपने आप को अट्रैक्टिव बना सकते हैं अपने सामने वाले के लिए, कैसे हम अच्छी तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसके लिए कुछ टिप्स के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल्स में बात करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस तरह से सोशल मीडिया, बिजनेस और मोटिवेशन के रिलेटेड और भी वीडियोस इस चैनल पे देखना चाहते हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो इस वीडियो में हम मेनली 6 तरीकों के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि कैसे आप अपने आप को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है इंडिपेंडेंसी। सेल्फ डिपेंडेंट लोग और सेल्फ मेड लोग ही दूसरों के लिए रोल मॉडल बनते हैं। लोग उन्हीं लोगों को पसंद करते हैं जो सेल्फ मेड होते हैं। अपने दम पर जिन्होंने कुछ किया है उन्हीं लोगों को लोग अपना रोल मॉडल मानते हैं, उनकी हर एक बात को अच्छी तरह से सुनते हैं और उनकी जैसी लाइफस्टाइल है उसी लाइफस्टाइल को अपने लाइफस्टाइल में भी कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अपने अंदर अट्रैक्टिवनेस लाने से पहले हमें अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना होगा, क्योंकि हम इंसान कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज में अपने अपनों के साथ डिपेंडेंट होते हैं। किसी ना किसी सोर्स में हम दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, तो कभी भी हमें दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है, हमें सेल्फ डिपेंडेंट बनना है। और उसके लिए सबसे पहले हमें हार्डवर्किंग बनना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम हार्डवर्किंग बनते हैं तभी हम सेल्फ डिपेंडेंट ऑटोमेटिक बन सकते हैं। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बी लॉजिकल। हम अपने जिंदगी में ज्यादातर जो डिसीशन लेते हैं वो इमोशन होके लेते हैं। हम इमोशनली डिसीशन लेते हैं जिसके वजह से हमें कभी कभी जिंदगी में निराश होना पड़ता है। तो कभी भी जिंदगी में इमोशनली डिसीशन नहीं लेना चाहिए, हमें हमेशा लॉजिक एंड स्टैटिस्टिक्स के ऊपर बेस करके अपने हर एक डिसीजन को लेना चाहिए, तभी हम रियलिटी में सोच सकते हैं, रियलिटी में डिसीजन ले सकते हैं और इससे हमारे जिंदगी में जो रिजल्ट आएगा, जो हमें आउटपुट मिलेगा, उसको भी हम खुशी खुशी एब्जॉर्व कर सकते हैं, उसको हम सहन कर सकते हैं। इससे हम निराश नहीं होंगे, हमारे जिंदगी में कुछ निगेटिव भी हो रहा है तो उससे भी हमारे ऊपर कोई निगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा। हम फिर से एक बार अपनी कोशिश कर सकते हैं, फिर से एक बार हम उस चीज पर और काम कर सकते हैं और आने वाले टाइम पे हो सकता है हम और ज्यादा सक्सेसफुल हो जाए, उस चीज को हम और पॉजिटिवली और पर्टिकुलरली और परफेक्टली कर पाए और अपने आप को एक परफेक्ट इंसान के रूप में दूसरों के सामने रिप्रेजेंट कर पाए। अपने आप को अट्रैक्टिव बनाने के लिए हमें अपने आप को प्रैक्टिकल बनाना होगा, क्योंकि जब प्रैक्टिकल हम अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे दूसरों के सामने तभी लोग हमें लाइक करेंगे, ऐसे अट्रैक्टिव पर्सन हमें ट्रीट करेंगे और जिससे हमारे जिंदगी में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फोकस ऑन ओन वर्क। अगर आप दूसरों को इम्प्रेस करने के चक्कर में उनके पीछे भागोगे तो उससे प्रॉब्लम आपके जिंदगी में आएगा, आपके जिंदगी में क्रिटिकल सिचुएशन पैदा होगा, क्योंकि आप किसी के पीछे भागोगे तो वो आपसे दूर जाएगा। अगर आप लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे तो लोग आपसे इम्प्रेस नहीं होंगे, उल्टा वो आपसे दूर भागेंगे। अगर आप अपने काम पे फोकस करोगे, आपके डेडिकेशन, आपके हार्डवर्क को आप शो करोगे अपने काम पे, कंसिस्टेंसी और पेशेंसी के साथ आप कुछ भी काम को करते जाओगे तो इससे फायदा आपको ही होगा, आपके अंदर स्किल्स डेवलप होगा, आप अपने आप को और बेटर बनाओगे, आप एक परफेक्ट पर्सनैलिटी के रूप में दूसरों के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट करोगे, जिससे आपको फायदा होगा और इससे ऐसा एक दिन आएगा लोग ऑटोमेटिक आपके बारे में जानना चाहेंगे, आपके बारे में पॉजिटिव चर्चा करेंगे और जिससे आप लोगों के लिए अट्रैक्टिव बन जाओगे।
लोग आपके बारे में, आपके लाइफस्टाइल, आपके जो बैकग्राउंड है, आपने कितना स्ट्रगल किया है, वो सारी स्टोरीज को कवर करना शुरू कर देंगे, जिससे आपकी एक पर्सनैलिटी बिल्डअप होगा और सोसाइटी में आपका एक नाम भी बिल्डअप होगा। जैसे कि बिल्ली को अगर काबू करना है तो उसको आपको उसके मनपसंद चीजें देना पड़ेगा, खाने की चीजें, ताकि उसको आप लज्जा सको, ना कि आपको उसके पीछे भागना है। अगर आप उसके पीछे भागते रहोगे तो वो आपसे दूर ही जाता रहेगा। फोर्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, डोंट वेस्ट योर पोटेंशियल टाइम इन गॉसिप। दुनिया में जो नाकामयाब लोग होते हैं वो दूसरों के बारे में गॉसिप करके अपने पोटेंशियल टाइम को ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। बट जो लोग अपने पर्सनैलिटी को तराशना चाहते हैं, अपने हर एक मिनट को यूटिलाइज करना चाहते हैं सही तरीके से, अपने गोल में पूरा फोकस रहते हैं, वो अपने जिंदगी के पोटेंशियल टाइम को, हर एक मिनट को, हर एक सेकंड को अच्छी तरह से यूटिलाइज करते हैं। वो नई नई स्किल्स सीखने में ध्यान देते हैं, वो अच्छी चीजें करने में ध्यान देते हैं, ना कि वो दूसरों के बारे में गॉसिप करके अपने पोटेंशियल टाइम को ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। तो अगर आपको अपने आप को अट्रैक्टिव बनाना है, अपने आप को उस तरह से अपने काम पे फोकस रखना है, तो आपको सबसे पहले दूसरों के बारे में गॉसिप करना बंद करना होगा। आपको अपने हर एक टाइम अपने काम पे देना होगा। अगर आप कुछ कर रहे हैं तो उस पर पूरा फोकस रहना होगा, ना कि अपने फोकस को इधर उधर भटकाना है, क्योंकि अगर आप अपने फोकस को भटकाएंगे तो आपका जो सक्सेस है वो और डिले होगा, और आप अपने आप को दूसरों के लिए अट्रैक्टिव कभी भी नहीं बना सकते हैं। टाइम प्राइसलेस है, अगर आपने उसको अच्छे से ड्राइव किया तो वो भी आपको अच्छे से ड्राइव करेगा और आपको सक्सेस की ओर लेके जाएगा, बट अगर आपने उसको अच्छे से ड्राइव नहीं किया तो टाइम आपको बर्बाद भी कर सकता है। फिफ्थ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, डोंट बिहेव लाइक एन अटेंशन ग्रैबर। आप अटेंशन के भूखे हो, अगर आपने इस तरह से रिएक्ट किया दूसरों के सामने तो कोई भी आपको रेस्पेक्ट नहीं करेगा। जो लोग एक्चुअली में एजुकेटेड होते हैं उनको लोग ऑटोमेटिकली रेस्पेक्ट करते हैं, उनकी एक पोजीशन लोगों के मन में ऑटोमेटिक पैदा होता है। इसके लिए आपको अपने काम को करते रहना होगा। अगर आपके अंदर वो स्किल है, वो स्किल आपके अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो लोग ऑटोमेटिकली आपको रेस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। अगर आप अपना काम पूरे मेहनत के साथ करते जाएंगे ये परवाह करे बिना कि कोई आपको अटेंशन दे रहा है या नहीं दे रहा है, तो एक ऐसा टाइम आएगा जब आपको हो सकता है अटेंशन की जरूरत ही ना हो, बट पूरा दुनिया आपको अटेंशन दे, आपके बारे में जानना चाहे, आपके बारे में चर्चा करे, आपको अपना रोल मॉडल माने, और आगे आपके लाइफस्टाइल को अच्छी तरह से समझ के आपने जो पॉजिटिव चीजें किया है उनको रिपीट करना चाहे, ताकि दूसरों के लाइफ में आपकी वजह से और सुधार आए। सिक्स इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, लर्न टू लव योरसेल्फ फर्स्ट। लाइफ में अगर दूसरों को अपनी इम्पोर्टेंस फील कराना है तो सबसे पहले अपने आप को प्यार करना सीखना होगा। अगर आप अपने आप से प्यार नहीं करेंगे तो कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दूसरा कोई आपको प्यार करे, आपको रेस्पेक्ट करे। अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना सीखना होगा, तभी आप दूसरों के लिए अट्रैक्टिव लगोगे, नहीं तो आप दूसरों के भीड़ में खो जाओगे। तो सबसे पहले अपने इमोशंस पर कंट्रोल करिए, क्योंकि इमोशंस पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है अगर आपको इस रियल वर्ल्ड में चलना है तो। इमोशनल लोगों को ये दुनिया फूल मानते, इमोशनल फूल मान के उनका फायदा उठाना चाहते हैं और अपना काम निकालना चाहते हैं। तो अगर आप अपने आप को अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं तो अपने आप को इमोशनल फूल बनने कभी भी नहीं देना है। इस बात को आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर आप दूसरों के सामने अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग दर्शाते हैं तो इससे पता चलता है कि आप खुद से प्यार करते हैं, और इससे लोगों को पता चलता है कि आप इमोशनली स्ट्रांग भी हैं, आपकी पर्सनैलिटी पे बेटर है, और इससे आपके जिंदगी में बहुत सा पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। इससे लोग आपको रेस्पेक्ट करना स्टार्ट करते हैं, लोगों के नजर पे आप अट्रैक्टिव बन जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको 6 टिप्स बताए, 6 पॉइंट्स बताए, जिनके जरिए आप खुद को अट्रैक्टिव बना सकते हैं दूसरों के नजर पे। अगर आप इन 6 पॉइंट में काम करेंगे तो जरूर आपकी पर्सनैलिटी बेटर होगा, आप एक बेटर पर्सनैलिटी बिल्डअप कर पाएंगे अपने आप के लिए, और आप दूसरों के लिए रोल मॉडल बन सकते हैं, आप दूसरों के लिए अट्रैक्टिव बन सकते हैं। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करके अपने आप को एक अट्रैक्टिव पर्सन के रूप में अपने नोन सर्कल में रिप्रेजेंट करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और अगर आपके मन में कोई सुझाव है किसी टॉपिक में वीडियोस चाहते हैं तब भी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग वीडियोस बनाने की कोशिश जरूर करूंगी। और हाँ, अगर आपको मेरा काम पसंद आया है और आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अपने आप के साथ सदा सदा शेयर करिए।
तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।